अजय कुमार जी का। तो कल हमने इस मामले को लेकर, क्योंकि 14 दिन घटना को बीत गए और किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई, एक की गिरफ्तारी भी हुई तो महज खानापुर से पूछताछ के नाम पर कुछ नहीं किया गया। जैसे एक गेस्ट को गेस्ट हाउस में रखा जाता है वैसे रखा गया और उसके बाद उसके चलान कर दिए। 5 नामजद अभियुक्त में से अभी तक 4 नामजद अभियुक्त फरार हैं और प्रशासन छापेमारी के नाम पर, धर पकड़ के नाम पर 0 है, 0 एक्टिविटी कर रही है, कोई एक्टिविटी। कल हमने माननीय DGP साहब से बात किया इसी घटना को लेकर और थाना प्रभारी के निलंबन की मांग की और तमाम नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर स्पीडी ट्रायल कर कठोर कानूनी कार्रवाई की हमने मांग की। DGP साहब का कहना था कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ग्रामीणों के तरफ से, उनके परिजनों के तरफ से और आप अपने तरफ से भी एक लिखित आवेदन हमें दे। तो आज हमने इस आवेदन के माध्यम से, आप सबों के माध्यम से यह तय किया है कि आवेदन माननीय DGP साहब तक पहुंचाएंगे। इसमें प्रतिनिधि इसकी माननीय वरीय पुलिस अधीक्षक गया को भी भेजी जाएगी और हम लोग तत्काल दोषियों की गिरफ्तारी और जितने इस मामले में दोषी हत्यारे हैं उससे कहीं ज़्यादा दोषी उनको संरक्षण देने वाले पुलिस पदाधिकारी, उन पदाधिकारियों पर भी अविलंब कार्रवाई हो। और जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक अजय कुमार का निलंबन नहीं होगा, जब तक उन दोषियों को स्पीडी ट्रायल कराकर सजा नहीं करा दी जाएगी, तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। लॉकडाउन का उल्लंघन भी करना पड़ा तो हम लोग करेंगे, इसमें पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम यह संदेश बिहार सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, माननीय वरीय प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं कि तथाकथित सुशासन की सरकार में आए दिन, खासकर गया एक क्राइम जोन बन गया। आप चाहे कुछ दिन पहले ही सिंधुवारी की घटना दिन दहाड़े नरसंहार कर दिया गया, उतरावा में इस तरह की घटना घटी है, आए दिन कुछ न कुछ हत्या वारदात। आज भी अगर आज की घटना आते हैं तो कुंवर बिघा एक उसी खिजरसराय थाने में गांव है, कुंवर बिघा सुबह से सैकड़ों राउंड गोलियां वहां चली, 2 गुट के अपराधी लोग आपस में गोलीबारी कर रहे हैं। थाना प्रभारी को लगातार सभी आसपास के क्षेत्र वालों को पता है कि गोलीबारी करने वाले लोग, उसमें एक व्यक्ति घायल भी, सैकड़ों राउंड गोलियां चली प्रशासन के नाक के नीचे। आसपास के ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से